हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल मेसान स्टार्डस में। और व्यूअर, आज की इस वीडियो में हम तेलुगु और तमिल सिनेमा की सुपरस्टार एक्ट्रेस समंथा रुद्र प्रभु का कंप्लीट बॉक्स ऑफिस करियर एनालाइज करने जा रहे हैं। व्यूअर, समंथा ने अपनी फिल्मी करियर का आगाज साल 2010 में रिलीज होने वाली तेलुगु लैंग्वेज की मूवी ये माया चिसेव से किया है। और एज एन एक्ट्रेस समंथा रुद्र प्रभु अब तक कितनी मूवीज में काम कर चुकी है और उनकी कितनी मूवीज हिट, कितनी फ्लॉप और कितनी ब्लॉकबस्टर रही है, आज की इस वीडियो में यही डिटेल हम आप व्यूअर्स को प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो आपने इस वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना होगा। तो चलें व्यूअर, वीडियो का आगाज करते हैं इस इंट्रो के बाद। तो ये समंथा रुद्र प्रभु ने एज एन एक्ट्रेस सबसे पहले अपेयरेंस दी थी तमिल लैंग्वेज की मूवी विन्नी ताड़ी वरुवाया में, स्पेशल अपेयरेंस दिए थे। इस फिल्म में एक्ट्रेस जैसी की कैरेक्टर में दिखाई दी थी, छोटा सा कैरेक्टर था, कैमियो अपेयरेंस इसे आप कह सकते हैं। तो समंथा की तेलुगु लैंग्वेज के लिए डेब्यू मूवी का नाम है ये माया चिसेव। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था गौतम वासुदेव मेनन ने। फिल्म की लीड कास्ट में नागा चैतन्य और समंथा शामिल थे। ये फिल्म 26 फरवरी साल 2010 को रिलीज हुई थी। तेलुगु लैंग्वेज की ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दी गई। अथर्व और समंथा स्टारर मूवी बना काथड़ी, ये फिल्म 6 अगस्त साल 2010 को रिलीज हुई। तमिल लैंग्वेज की ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दी गई। राहुल रविनंदन और समांथा स्टारर मूवी मोस्कवन कावेरी, ये फिल्म 27 अगस्त साल 2010 को रिलीज हुई। तमिल लैंग्वेज की मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। एनटीआर जूनियर समांथा और काजल अग्रवाल स्टारर मूवी ब्रिंडावनम, ये फिल्म 10 अक्टूबर साल 2010 को रिलीज हुई। तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। फरवरी 2011 को रिलीज होने वाली तमिल लैंग्वेज की मूवी नायडू नीसी नायगल, इस फिल्म में समांथा ने स्पेशल अपेयरेंस दिए थे। महेश बाबू समांथा और प्रकाश राज स्टारर मूवी डू कडू, ये फिल्म 23 सितंबर 2011 को रिलीज हुई। तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर करार दी गई। फरवरी 2012 को रिलीज होने वाली हिंदी लैंग्वेज की मूवी एक दीवाना था, इस फिल्म में समांथा ने स्पेशल अपेयरेंस दिए थे। सुदीप नानी और समांथा स्टारर मूवी ईगा, ये फिल्म 6 जुलाई 2012 को रिलीज हुई। तेलुगु तमिल लैंग्वेज की मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट करार दी गई। जीवा और समांथा स्टारर मूवी नीन थाने इन पावसंतम, ये फिल्म 14 दिसंबर 2012 को रिलीज हुई। तमिल लैंग्वेज की मूवी बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट साबित हुई। नानी और समांथा स्टारर मूवी यतो विली पो इंदी मानसू, ये फिल्म 14 दिसंबर 2012 को रिलीज हुई। तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। महेश बाबू वेंकटेश समांथा और अंजलि स्टारर मूवी सीथमा वाकिटलो समिल्ले चिट्टो, ये फिल्म 11 जनवरी 2013 को रिलीज हुई। तेलुगु लैंग्वेज की ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट करार दी गई। सिद्धार्थ और समांथा स्टारर मूवी जबरदस्त, ये फिल्म 22 फरवरी 2013 को रिलीज हुई। तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई। जून 2013 को रिलीज होने वाली तमिल तेलुगु लैंग्वेज की मूवी थिया विलाई सीएनम कुमारू, इस फिल्म में समांथा ने स्पेशल अपेयरेंस दिए थे। पवन कल्याण और समांथा स्टारर मूवी आटा रेंटी की डेरेडी, ये फिल्म 27 दिसंबर 2013 को रिलीज हुई। तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। एनटीआर जूनियर और समांथा स्टारर मूवी रमैया वस्तावैया, ये फिल्म 11 अक्टूबर 2013 को रिलीज हुई। तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। अखनीनी नागेश्वरा राव नागार्जुना नागा चैतन्या और समांथा स्टारर मूवी मानम, ये फिल्म 23 मई 2014 को रिलीज हुई। तेलुगु लैंग्वेज की ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। नागा चैतन्या और समांथा स्टारर मूवी ऑटो नगर सूर्या, ये फिल्म 27 जून 2014 को रिलीज हुई। तेलुगु लैंग्वेज की ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। बालम कोंडा श्रीनिवास और समांथा स्टारर मूवी अलूडू सीनू, ये फिल्म 25 जुलाई 2014 को रिलीज हुई। तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई। सूर्या समांथा और विद्युत जम्वाल स्टारर मूवी अनजान, ये फिल्म 14 अगस्त 2014 को रिलीज हुई। तमिल लैंग्वेज की मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज करार दी गई। एनटीआर जूनियर और समांथा स्टारर मूवी रभासा, ये फिल्म 29 अगस्त साल 2014 को रिलीज हुई। तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। विजय और समांथा स्टारर मूवी काथी, ये फिल्म 22 अक्टूबर 2014 को रिलीज हुई। तमिल लैंग्वेज की ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर करार दी गई। अल्लू अर्जुन समांथा और उपेंद्र स्टारर मूवी सन ऑफ सूर्या मूर्ति, ये फिल्म 9 अप्रैल 2015 को रिलीज हुई। तेलुगु लैंग्वेज की ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सीमी हिट साबित हुई। विक्रम और समांथा स्टारर मूवी हत्रु इंद्र थुकुल्ला, ये फिल्म 21 अक्टूबर 2015 को रिलीज हुई। तमिल लैंग्वेज की ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई।
धनुष और सामंता स्टारर मूवी थंगा मगन। ये फिल्म 18 दिसंबर 2015 को रिलीज हुई। तमिल लैंग्वेज की मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। और व्यूअर, फरवरी 2016 को रिलीज होने वाली तमिल लैंग्वेज की मूवी बेंगलोर नाटकल, इस फिल्म में सामंता ने स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। विजय और सामंता स्टारर मूवी थेरी। ये फिल्म 14 अप्रैल 2016 को रिलीज हुई। तमिल लैंग्वेज की ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। सूर्या, सामंता और निथिया मेनन स्टारर मूवी 24। ये फिल्म 6 मई 2016 को रिलीज हुई। तमिल लैंग्वेज की मूवी बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट साबित हुई। महेश बाबू, काजल अग्रवाल और सामंता स्टारर मूवी ब्रह्मोत्सवम। ये फिल्म 20 मई 2016 को रिलीज हुई। तेलुगु लैंग्वेज की ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दी गई। नितिन और सामंता स्टारर मूवी एआर। ये फिल्म 2 जून 2016 को रिलीज हुई। तेलुगु लैंग्वेज की ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सीमे हिट साबित हुई। मोहनलाल, एनटीआर जूनियर, सामंता और निथिया मेनन स्टारर मूवी जनाथा गेराज। ये फिल्म 1 सितंबर 2016 को रिलीज हुई। तेलुगु लैंग्वेज की ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। नागार्जुन अखनीनी और सामंता स्टारर मूवी राजू गिरी गधी 2। ये फिल्म 13 अक्टूबर 2017 को रिलीज हुई। तेलुगु लैंग्वेज की ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। एस जे सूर्या, सत्याराज, सामंता और काजल अग्रवाल स्टारर मूवी मिर्सल। ये फिल्म 18 अक्टूबर 2017 को रिलीज हुई। तमिल लैंग्वेज की ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर करार दी गई। रामचरण और सामंता स्टारर मूवी रंगास्थलम। ये फिल्म 30 मार्च 2018 को रिलीज हुई। तेलुगु लैंग्वेज की ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। कीर्ति सुरेश, दुलकेर सलमान, सामंता और इसके अलावा विजय देवरकोंडा स्टारर मूवी महानती। ये फिल्म 9 मई 2018 को रिलीज हुई। तेलुगु लैंग्वेज की ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर करार दी गई। विशाल, अर्जुन और सामंता स्टारर मूवी इरुम्बू टिराई। ये फिल्म 11 मई 2018 को रिलीज हुई। तमिल लैंग्वेज की ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। शिव कार्थिकेयन और सामंता स्टारर मूवी सीमा राजा। ये फिल्म 13 सितंबर 2018 को रिलीज हुई। तमिल लैंग्वेज की ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। आदि पेनिशिटी और सामंता स्टारर मूवी यूटन। ये फिल्म 13 सितंबर 2018 को रिलीज हुई। तमिल तेलुगु लैंग्वेज की ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। विजय सेतुपति और सामंता स्टारर मूवी सुपर डिलेक्स। ये फिल्म 29 मार्च 2019 को रिलीज हुई। तमिल लैंग्वेज की ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। नागा चैतन्या और सामंता स्टारर मूवी मजीली। ये फिल्म 5 अप्रैल 2019 को रिलीज हुई। तेलुगु लैंग्वेज की ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज करार दी गई। सामंता और लक्ष्मी स्टारर मूवी ओ बेबी। ये फिल्म 5 जुलाई 2019 को रिलीज हुई। तेलुगु लैंग्वेज की ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सीमी हिट साबित हुई। अगस्त 2019 को रिलीज होने वाली तेलुगु लैंग्वेज की मूवी मन मडुडू 2। इस फिल्म में सामंता ने स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। शेरवनन और सामंता स्टारर मूवी जानू। ये फिल्म 7 फरवरी 2020 को रिलीज हुई। तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बॉक्स ऑफिस पर सीमी हिट साबित हुई। और व्यूवर, 17 दिसंबर 2021 को रिलीज होने वाली अल्लू अर्जुन स्टारर मूवी पुष्पा द राइज पार्ट 1। इस फिल्म में सामंता रुद्र प्रभु ने स्पेशल अपेयरेंस दिए थे और यही एज एन एक्ट्रेस सामंता रुद्र प्रभु की अब तक की रिलीज होने वाली आखिरी फिल्म भी साबित हुई है। और व्यूअर, इन मूवीज के अलावा एक वेब सीरीज भी की है सामंता रुद्र प्रभु ने। वेब सीरीज का नाम है द फैमिली मैन सीजन 2 और ये वेब सीरीज Amazon प्राइम वीडियो के थ्रू 4 जून 2021 को दर्शकों को OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाया गया था। और व्यूअर, सामंता की अपकमिंग मूवीज की बात करें तो उनकी सबसे पहले आने वाली फिल्म का नाम है काथुवाकुला रंडू काधल। इस फिल्म में नयांथरा, सामंता और विजय सेतुपति शामिल हैं और ये फिल्म 28 अप्रैल 2022 को रिलीज के लिए प्लान की गई है और ये भी एक तमिल लैंग्वेज की मूवी है। और व्यूअर, सामंता की नेक्स्ट अपकमिंग मूवी का नाम है शाकुंतलम। इस फिल्म में सामंता का साथ देंगे देव मोहन और ये तेलुगु लैंग्वेज की मूवी 2022 में आप व्यूअर्स को देखने को मिल सकेगी। और यूवर, सामंता रुद्र प्रभु की नेक्स्ट अपकमिंग मूवी का नाम है यशोदा और ये तेलुगु लैंग्वेज की मूवी आपको 2023 में देखने को मिल सकेगी। तो यूवर, सामंता रुद्र प्रभु की साउथ इंडियन में रिलीज होने वाली मूवीज का सक्सेस रेशियो निकाले तो एज एन एक्ट्रेस सामंता रुद्र प्रभु 44 मूवीज का हिस्सा रही है जिनमें से उनकी 37 मूवीज में मेन एक्ट्रेस के तौर पर काम किया है और इन 37 मूवीज में उनकी 7 मूवीज ब्लॉकबस्टर, 5 मूवीज सुपरहिट, 5 मूवीज हिट, 6 सीमे हिट रही, 4 मूवीज एवरेज, 9 फ्लॉप और 1 डिजास्टर रही। और इसके अलावा 7 मूवीज में उन्होंने स्पेशल या कैमियो अपीयरेंस दिए हैं। तो इस हिसाब से सामंता रुद्र प्रभु का कंप्लीट करियर का सक्सेस रेशियो बनता है 72.97%।
तो ये वरी थी सामांथा रुद्रप्रभु की रिलीज होने वाली तमाम मूवीज की डिटेल। तो एज एन एक्ट्रेस सामांथा रुद्रप्रभु की रिलीज इन तमाम मूवीज में आपकी फेवरेट कौन कौन सी मूवीज हैं, और साथ ही साथ सामांथा रुद्रप्रभु की साउथ इंडियन किस एक्टर के साथ आपको उनकी जोड़ी सबसे ज्यादा पसंद आई है, कॉमेंट सेक्शन में सिलसिले में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड ऐसा हमारा आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की कोशिश आप ही को पसंद आई होगी। हमारी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल में सात स्टार्स को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा, और साथ ही इस बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। हमारा आज का वीडियो देखने का आप तमाम व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया।